हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। तो भाई, एरेवली टू कटई नाका एलिवेटेड फ्रीवे हाईवे पर एक वीडियो बनाया था, एंड उसके बाद अभी लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं एक वीडियो और पोस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज वो जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ वॉइस का भी प्रॉब्लम हुआ था इशू, क्योंकि म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा लाउड हो गया था एंड वॉइस दब गया था। तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि वैसा ही एक रॉ वीडियो मैं फिर से विदाउट म्यूज़िक पोस्ट कर दूँ। एंड अभी तक की डेट, मतलब कल 15 अगस्त है, एंड 15 अगस्त 2022 का ये 15 अगस्त है। 75 ईयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे आज़ादी के जश्न को, अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। तो भाई, उस पर्पज़ से मैं आज 14 अगस्त 2022 तक का अपडेट्स देना चाहता हूँ कि एरेवली कटई नाका का जो काम है वो कितना प्रोग्रेस तक पहुँचा है, कितना अभी बाकी है और किस कंडीशन पे किस तरह से चल रहा है। तो जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये जो एलिवेटेड रोड है एरेवली टू कटई फ्रीवे हाईवे स्टार्ट होता है। एंड आप ये देखिए, ये जो रोड आ रहा है ये ब्रिज वाला रोड है, जो मुलुंड टू एरेवली क्रीक ब्रिज बना हुआ है, इसी से आप डायरेक्ट इस रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, इस हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो मेरे फिंगर से आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड ये पूरा दायरा फिर आप देख रहे हैं एलिवेटेड रोड के नुमा, ये पूरा कवर कर रहा है। तो ये जो ब्रिज है यहीं से आपका मेन एंट्री पॉइंट है। एंड ये टोटल जो पूरा फ्रीवे हाईवे एरेवली टू कटई फ्रीवे हाईवे, ये तीन चरणों में, थ्री फेज में पूरा मुकम्मली तौर पर बनाया जा रहा है। ये फेस टू दूसरे चरण में आता है, जो 2.2 किलोमीटर का रेंज का दायरा है, 2.2 किलोमीटर की रोड है, जो एलिवेटेड रोड है, मींस की ज़मीन की सतह से ऊपर उठी हुई रोड, ऐसा हाईवे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा गया हुआ है 2.2 किलोमीटर की रेंज में, एंड काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था इधर, देखा था मैंने, तो उस वक्त इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं आके आज देख रहा हूँ तो काफ़ी काम हो चुका है। तो उम्मीद है कि शायद 2022 तक में ये पूरा ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, एंड मैं आपको ये पूरा 2.2 किलोमीटर का एलिवेटेड जो रोड है फेज टू का, दूसरे चरण का, इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको आपको दिखाता भी हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पिलर यहाँ पर आ चुके हैं, रखे जा चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, बट ऊपर का गटर अभी यहाँ पर नहीं बना है। एंड वहाँ तक का जो दायरा था, एरोली जो ब्रिज था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ तक कंप्लीट ऑलरेडी पिलर एंड गटर सारी चीज़ें मुकम्मली तौर पर रख दी गई थी। एंड आपका ये जो दायरा फेस टू का, वो यहाँ पर आके एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया जा रहा है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बीच बीच की जो कुछ पार्ट्स है, जो जगह के, जैसे इधर के अभी छूटे हुए पिलर्स हैं लेकिन गटर नहीं है। एंड आगे भी यहाँ पे आके जाके आप मेरे बैक साइड में देखेंगे इधर, तो यहाँ से फेस वन का दायरा, जो 3.5 किलोमीटर का जो दायरा है आपका सुरंग तक का, वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो यहाँ से नीचे से नाला कनेक्टेड है, तो यहाँ के दायरे को अभी छोड़ा गया है, यहाँ पर अभी ऊपर गटर्स नहीं रखे गए। एंड आगे जाके फिर काम कंप्लीट हो चुका है। तो बीच बीच का कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द इधर भी गटर्स रख दिए जाएंगे। जो रोड्स के दायरे इनको छोड़े हुए हैं कि जब यहाँ पर काम स्टार्ट होगा तो रोड्स की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। ठीक, यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो जब ये कनेक्टिविटी है, इसमें शायद खलन पैदा हो, इस वजह से ये चीज़ों को अभी नहीं रखा गया है। यहाँ से गटर और ये सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा, बट उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा आई थिंक। तो बीच बीच का ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये अभी खाली है यहाँ अभी तक की अपडेट्स के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर आके आपका जो चरण टू है, फेज टू है, वो कंप्लीट होता है, और यहाँ से फेज वन स्टार्ट होता है, जो 5.2 का दायरा रहेगा, एंड जिसमें 1.7 किलोमीटर का टनल भी रहेगा इस दायरे में। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चरण वन का जो पार्ट है, जो दायरा है 5.2 किलोमीटर का, आप देख सकते हैं ये कनेक्ट है पूरा। आप ये देखिए, ये यहाँ से आ रहा है, पूरा कनेक्ट है 5.2 किलोमीटर के दायरे में। ये जो आप यहाँ से आप क्रॉस करेंगे एलिवेटेड रोड में, और ये आप हाईवे लगा हुआ है, थाने बेलापुर हाईवे और जो नेशनल NH-48 जो राजमार्ग है उससे कनेक्ट है। एंड जैसे ये क्रॉस करते हैं, हम थोड़ा सा साइड आइए, जैसे हम क्रॉस करते हैं तो ये एलिवेटेड रोड वहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा हाईवे की वजह से। आई थिंक इसको भी छोड़ा हुआ है एंड वहाँ से कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो आगे जाके पासिक टनल तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, एंड पासिक टनल के इधर का जहाँ से पार्ट एंड हो रहा है आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, आगे भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जगह पे अभी मौजूद हूँ, खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे से देखिए, ये एलिवेटेड हाईवे निकला हुआ है। एंड ये जो एलिवेटेड हाईवे, ये फेस वन चरण वन वाला पार्ट है जो 5.2 किलोमीटर का दायरा है। एंड ये थाने बेलापुर रोड एंड जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-48 के बीच का ये दायरा है उसको कवर करते हुए आ रहा है। आप देख सकते हैं ये वहाँ से आया, एंड उसमें 3.5 किलोमीटर का दायरा यहाँ आके ख़त्म होता है। एंड ये हिली एरिया आ गया है, ये पार्सिक हिल है। एंड यहाँ से जो टनल निकला हुआ है वो 1.7 किलोमीटर का दायरा है। तो इस पूरे दायरे को मिलाकर 5.2 किलोमीटर का फेस वन है, चरण वन है। एंड काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 50% पकड़ के चल रहा हूँ। डेवलपर्स इसको बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि जितना जल्दी काम कंप्लीट हो, क्योंकि डेडलाइन 2024 का दिया हुआ है, तो ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले कंप्लीट हो जाए काम। एंड ट्रायल ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब होने के बाद 2024 तक इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो अभी जो आप देखिए कि एलिवेटेड रोड है, पिलर एंड गटर और उसके ऊपर की जो रोड्स हैं वो भी काफ़ी काम स्टार्ट हो गया, ऊपर बनने का जो ऊपर की प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं लगभग। एंड अब ये जो 1.7 किलोमीटर की जो टनल गई हुई है पार्सिक हिल से, मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दायरा है यहाँ से जो टनल स्टार्ट हो जाता है, एंड 1.7 किलोमीटर का ये सुरंग है। एंड आप 1.7 किलोमीटर का सुरंग जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको शीलफाटा मुबरा के साइड में ये टनल ख़त्म होगा। यहाँ पे ये सुरंग ख़त्म होगा, वहाँ से 6.3 किलोमीटर का दायरा स्टार्ट होगा, जो कटाई नाका जो एलिवेटेड ये फ्रीवे है वो उसका लास्ट छोर होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब एरोवली के ब्रिज से स्टार्ट हुआ है ये, एंड तीन चरण में से बनाया जा रहा है, इसमें तीन फेस रखे गए हैं। पार्ट वन वाला पार्ट ये है जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, इसमें 5.2 का पूरा दायरा रखा गया है, जिसमें 1.7 किलोमीटर का टनल का दायरा है, 3.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड रोड है। एंड पार्ट टू एरोवली ब्रिज से 2.2 किलोमीटर तक का एलिवेटेड रोड का दायरा रखा गया है। एंड 6.3 किलोमीटर का जब पार्सिक हिल टनल आप क्रॉस कर देंगे वहाँ से कटाई नाका तक के लिए बनाया हुआ जो फ्रीवे है। सबसे खास बात भाई फ्रीवे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी तरह का टोल टैक्स या सारी चीज़ें नहीं देना पड़ेगी। तो काम अभी तक का अपडेट्स ये है कि लमसम तरीके से चल रहा है। एंड पार्ट टू चरण टू जो एरोवली ब्रिज से कनेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। क्योंकि डेट तो पहले स्टार्टिंग में दिया गया था कि मतलब 2022 तक कंप्लीट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो 2022 एंडिंग तक या 2023 स्टार्टिंग तक उस रोड को शायद स्टार्ट कर दिया जाए। एंड यहाँ पर जितनी भी अभी तक की अपडेट्स थी वो मैंने आपको दी है। अब 6.3 किलोमीटर के दायरे को हम कवर करेंगे आगे चल के नेक्स्ट टाइम, तो मैं वहाँ का भी आपको अपडेट दूंगा कि भाई यहाँ से कितनी काम की प्रोसेसिंग बाकी है अभी, तो वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो अब तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, एंड उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आप लोग से मेरी दरख्वास्त है
जो भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आते हैं तो आप उनको पूरा देखा करिए, स्किप ना करा करें एंड शेयर जरूर करा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।